Welcome to Directorate School Education Jammu online radio classes a digital initiative taken by Directorate School Education Jammu myself Sachin Goel posted at Gourmet Girls High Secondary School Rihadi Jammu dear students hope you all are fit and fine and studying properly at your homes our today's topic ज केमिकल इफेक्ट्स ऑफ करेंट तो प्यारे बच्चों आज हम आपके साथ केमिकल इफेक्ट्स ऑफ करेंट चैप्टर शुरू करेंगे जिसमें हम पढ़ेंगे केमिकल इफेक्ट्स ऑफ करेंट के बारे में गुड कंडक्टर्स एंड पोअर कंडक्टर्स के बारे में टेस्टर किसे कहते हैं और क्या लिक्विड्स इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं या नहीं उसके साथ साथ कंप्लीट और इनकम्प्लीट सर्किट के बारे में भी पढ़ेंगे आज और हम साथ में एल ई डी जिसे लाइट एमिटिंग डायोड कहते हैं इसके बारे में भी पढ़ेंगे प्यारे बच्चों आप सबको पता है आप सब को बहुत बार हमारे जो पेरेंट्स हैं जो हमारे टीचर्स हैं वो सब मना करते हैं आपको कि कभी भी जो है इलेक्ट्रिकल स्विचेस को अपने गीले हाथों के साथ नहीं छेड़ना चाहिए कभी भी उनको जो है गीले हाथों के साथ जो है हमें टच नहीं करना चाहिए बहुत जो है वो हानिकारक होते हैं हमारे लिए जब भी हम क्या करते हैं किसी भी इलेक्ट्रिकल स्विच को अपने गीले हाथों के साथ अगर हम उनको छेड़ें तो उसकी वजह से क्या होगा कि कुछ ना कुछ जो है एक या दो बूंद जो है पानी की वो उस स्विच के अंदर जा सकती है और जो है वहाँ से कनेक्शन बन जाएगा इलेक्ट्रिक वायर्स के साथ और शॉर्ट सर्किटिंग होगी और वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल होता है बच्चे आप सबको जो है ये मालूम है कि हमें ये बार बार कहा जाता है हमारे पेरेंट्स हमें बार बार कहते हैं कभी भी गीले हाथों के साथ जो है कभी भी स्विचेस को इलेक्ट्रिकल का जो अप्लाइंसिस होते हैं उनको कभी भी छेड़ना नहीं चाहिए हमें पेरेंट्स आपको पता है ये भी कहते हैं कि कभी भी जो है जब थंडर स्टॉम्स होती है जब बादल गरजते हैं तो जहाँ बारिश होती है उस टाइम पीरियड में पेड़ के नीचे जो है वो नहीं खड़ा होना चाहिए तो आपको तो ये सब चीज़ें पता ही हैं मुझे लगता है पता है ना बच्चों हाँ बिल्कुल आप सबको ये सब पता है बेसिकली होता क्या है कि एक हमारे जो है पानी में ठीक है एक स्मॉल अमाउंट ऑफ सॉल्ट जो है ना वो हमेशा प्रेजेंट होता है पानी में और ये पानी को क्या करता है यही सॉल्ट जो है पानी को गुड कंडक्टर बना देता है इलेक्ट्रिसिटी का और फिर क्या होता है कि इसी की मदद से जो इलेक्ट्रिक करंट होती है वो स्विच में चली जाती है और स्विच से हमारे शरीर में दाखिल होती है और हमें कई बार जो है बेटा इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है आप सबको पता है इसीलिए हमेशा मैं आप सबको जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट एहतियात दूंगा कि आप सब जब भी बेटा कोई भी एक्सपेरिमेंट करें इस तरह से अपने पेरेंट्स के साथ करें उनकी बड़ों की मदद लें और बिल्कुल ध्यान से करें और कभी भी जो है कोई भी एक्सपेरिमेंट जब आप करते हैं जो हम आपको सिखाते हैं तो वो कभी भी जो है बिना पेरेंट्स के बिना एल्डर्स के साथ बैठे हुए मत परफॉर्म करिए ठीक है तो कभी भी जो है इलेक्ट्रिक स्विचेस को गीले हाथों के साथ आप जो है उनको टच नहीं करिए बच्चों तो आप सबको यह भी मालूम है अब मैं आपसे सिंपल एक चीज पूछ रहा हूं कि एक बल्ब जो है वो ग्लो करता है ग्लो मींस जलता है जब आप स्विच को ऑन कर देते हो आप सोचो जरा ऐसा क्यों होता है हाँ दिस इज ड्यू टू इलेक्ट्रिसिटी ये किसकी वजह से होता है इलेक्ट्रिसिटी अगर बिजली आ रही है तो स्विच ऑन हो जाएगा अगर बिजली नहीं आ रही तो स्विच ऑफ रहेगा लेकिन हमें लाइव जो स्विचेस होते हैं जो इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स होते हैं बहुत ध्यान से इनका इस्तेमाल करना है और ये जो बल्ब जलता है ये इसीलिए जलता है क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी है और इलेक्ट्रिसिटी जो है हम कहते हैं कि एक फॉर्म है एनर्जी का तो प्यारे बच्चों यही जो है अब जितना भी हम कंसेप्ट जो आपके साथ आज डिस्कस करेंगे वो किसके ऊपर बेस्ड है केमिकल इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करेंट्स कि केमिकल इफेक्ट्स क्या होते हैं इलेक्ट्रिक करेंट्स के तो आप प्यारे बच्चों आप सबको ये पता है कि जब भी करंट इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करती है किसी भी कंडक्टिंग सोल्यूशन से अब कंडक्टिंग सोल्यूशन की मैं बात कर रहा हूं अब कंडक्टिंग सोल्यूशन वो हो गया जिसमें इलेक्ट्रिसिटी पास कर रही है तो हम ये कहते हैं कि करंट जो है तो केमिकल रिएक्शंस तो होंगी वहां पे उस सॉल्यूशन में इसी को हम क्या बोलते हैं केमिकल इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं बच्चों कि व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज थ्रू ए कंडक्टिंग सॉल्यूशन और केमिकल रिएक्शंस टेक प्लेस इन द सॉल्यूशन दिस इज कॉल्ड द केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट यस yes, प्यारे बच्चों हमने एक शब्द यहां पे यूज किया था कंडक्टिंग सोल्यूशन तो बेसिकली ये कंडक्शन अब कंडक्शन मैंने आपको बताया क्या हो गया कि द पैसेज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू सबस्टांस जो इलेक्ट्रिक करंट पास करती है किसी सब्सटेंस से उसे ही हम कंडक्शन कहते हैं हाँ प्यारे बच्चों तो हम ये कहते हैं बेटा कि बहुत सारे केमिकल इफेक्ट्स होते हैं इलेक्ट्रिक करंट के जैसे अगर हम कभी आ, कोई इलेक्ट्रोड्स डाल दें पानी के अंदर तो वहां पे बबल्स बनना शुरू हो जाएंगे हम धीरे धीरे आगे प्रोसीड करेंगे और आपको बताते जाएंगे चेंज हो जाता है सोल्यूशन का कलर तो ये सारे क्या हैं केमिकल इफेक्ट्स हैं इलेक्ट्रिक करंट के अब चूंकि करंट जो है किसको कहते हैं अब करंट क्या होती है बेटा करंट हम कहते हैं फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो फ्लो होता है इलेक्ट्रॉन्स का किसी भी मटेरियल में आपको पता है बच्चे हम हमारे पास आगे पीछे बहुत सारी सबस्टांसिस को आप देखते हैं आपके पास पास जो है बहुत सारी चीजें होती हैं ठीक है और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं हम कहते हैं कुछ ऐसी कंडक्ट करती हैं इलेक्ट्रिसिटी को और कुछ नहीं करती हैं इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट ठीक है कईयों में से इलेक्ट्रिसिटी पास करती हैं और कईयों में से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं करती जैसे बहुत सारी ऐसे चीज़ें हैं जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं करती है जैसे रबर ग्लास वुड डिस्टिल्ड वाटर ये सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं करेगी जो कंडक्ट नहीं करेंगे इलेक्ट्रिसिटी को लेकिन बहुत सारी ऐसी चीज़ें हमारे पास होती हैं जैसे कंप्यूटर आपका है लैपटॉप uh, है मोबाइल फोन्स हैं टेलीविजन है म्यूजिक सिस्टम्स हैं जितने भी आपके इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसिस होते हैं उनमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है तो इसी तरह से हम क्लासीफाई कर सकते हैं सब को कि किन में से करंट पास करती है और किन में से करंट पार्ट नहीं करती है तो हम कहते हैं कि हमारे पास दो केसेस <coughs> आते हैं एक जिनको हम गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं और एक को हम पोअर कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं अब बेसिकली जो गुड कंडक्टर्स आपके पास हैं वो कौन से हैं मैंने आपको बताया गुड कंडक्टर्स हम किनको बोलेंगे वेरी गुड गुड कंडक्टर्स आर दोज कंडक्टर्स दैट अलाउ थ्रू दैम जो अपने में से करंट को पास होने देते हैं मैंने अभी एग्जाम्पल्स बताई जैसे जो पास होने देंगे मेटल की वायर्स हो गई कॉपर की वायर्स हो गई एल्यूमिनियम फॉइल हो गया ये सब चीज़ें क्या हैं गुड कंडक्टर्स हैं ये सब क्या है बेटा गुड कंडक्टर्स हैं और पोअर कंडक्टर्स आर दोज कंडक्टर्स दैट डू नॉट एलो करंट टू पास थ्रू देम। जो अपने में से करंट को पास नहीं होने देते उनको हम पोअर कंडक्टर्स कहते हैं जैसे मैंने आपको बताया वुड आपके पास एग्जाम्पल है रबर आपके पास एग्जाम्पल है ग्लास आपके पास एग्जाम्पल है तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करती हैं और और कुछ कंडक्ट नहीं करती हैं तो इसीलिए बेटा यही कारण है कि हम कहते हैं कि हमें बार बार ये हमारे पेरेंट्स भी कहते हैं कि जब भी इलेक्ट्रिकल वायर्स को हमने टच करना है कभी भी गीले हाथों के साथ नहीं करना लेकिन हाँ आप जो है उनको वुड के साथ वायर्स को टच कर सकते हो क्योंकि वुड जो है पोअर कंडक्टर होती है इलेक्ट्रिसिटी सिटी की हाँ जी बच्चों इसी के साथ हमने पढ़ा कि गुड कंडक्टर्स और पोअर कंडक्टर्स जो हैं वो क्या होते हैं पोअर कंडक्टर्स को हम इंसुलेटर्स भी कहते हैं तो बच्चों बहुत सारे ऐसे सबस्टांसेस हैं जैसे मेटल्स आपके पास हैं मेटल सारे के सारे गुड कंडक्टर्स होते हैं और नॉन मेटल्स जो हैं इनको पोअर कंडक्टर्स भी कहते हैं जितने भी हमारे पास सब्स्टांसिस होते हैं जिनमें से करंट पास करे वो गुड कंडक्टर्स और जिनमें से पास नहीं करे वो पोअर कंडक्टर्स कहलाते हैं बच्चों अब एक क्वेश्चन अराइज होता है कि आप कैसे पता लगा सकते हो कि कोई भी जो सबस्टांस आपके पास है वो गुड कंडक्टर है या फिर पोअर कंडक्टर है तो हम बच्चों इस का जवाब ये है कि हम जो है इसको टेस्ट कर सकते हैं कि कोई भी सबिस्टांस जो आपको दिया गया है वो गुड कंडक्टर है या बैड कंडक्टर है किसका इस्तेमाल करके टेस्टर का अब टेस्टर बेसिकली किसको बोलते हैं टेस्टर क्या होता है टेस्टर हम कहते हैं बेटा ये एक प्रकार का इंस्ट्रूमेंट होता है एक प्रकार का ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो टेस्ट करके बताता है कि सबस्टांस जो है उसमें से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर रही है या नहीं कर रही बच्चों हम टेस्टर कैसे बनाएंगे टेस्टर बनाने के लिए आपको एक स्क्रू ड्राइवर की जरूरत पड़ेगी स्क्रू ड्राइवर पेचकस जिसे कहते हो एक आप सेल ले लीजिए जो घड़ी में यूज करते हैं एक एलईडी बल्ब ले लीजिए और वायर्स ले लीजिए तो आप क्या करिए बच्चों कि एक सेल का जो पॉजिटिव और नेगेटिव हिस्सा होता है उनको वायर्स के साथ अटैच कर लीजिए और पॉजिटिव जो एंड है सेल का उसको स्क्रू ड्राइवर के मेटल के पार्ट के साथ टच कर लीजिए और फिर उसके बाद आप जो बल्ब के साथ एक वायर अटैच कर लीजिए क्योंकि एलईडी बल्ब में दो लेग्स होती हैं तो एक को नेगेटिव के साथ जोड़ लीजिए और दूसरे को मेटल पार्ट के साथ जोड़ लीजिए स्क्रू ड्राइवर के तो आप देखेंगे जैसे ही हमने उसको जो है मेटल के साथ जोड़ा तो बल्ब ग्लो करना स्टार्ट हो जाएगा ओके बेटा तो इसी तरह से जब बल्ब ग्लो करना शुरू हो जाएगा इसका मतलब वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर रहा है और फिर दोबारा क्या करिए उसी पार्ट को जो वायर आपने बल्ब की दूसरी है मेटल के साथ ना जोड़कर आप जो है जो प्लास्टिक का पार्ट है उसके साथ आप उसको जोड़ लीजिए जब आप प्लास्टिक के पार्ट के साथ जोड़ेंगे तो आप देखेंगे कि बल्ब ग्लो नहीं करेगा दैट मीन्स वो तो इलेक्ट्रिसिटी को तो कंडक्ट तो तो नहीं कर रहा तो बच्चों हमारे पास बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज होती हैं जिससे हम बता सकते हैं कि टेस्टर जो हमारा है वो वर्क करता है या नहीं करता है तो इस प्रकार से एक हमने ये टेस्टर बनाया हम जो है एक एक्टिविटी को परफॉर्म कर सकते हैं बहुत सारी जो है ज्वाइन करके की सर्किट जो है वो पूरा है या नहीं है इस तरह से हम जब आपने ये सर्किट को मेटल्स के साथ जोड़ा तो बल्ब ग्लो कर गया जब आपने प्लास्टिक के पार्ट के साथ जोड़ा तो बल्ब जो है ग्लो नहीं किया तो यहीं से आप बता सकते हैं कि कौन सी चीज जो है वो गुड कंडक्टर है या पोर कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी की बच्चों अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं कि क्या एयर जो है बैड और गुड कंडक्टर है यस तो हम कह सकते हैं कि एयर जो है वो एक बैड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी के लिए तो बच्चों अब एक और क्वेश्चन आपसे पूछूंगा कि हाउ इज कंडक्टिविटी ऑफ लिक्विड टेस्टेड यस जो लिक्विड की कंडक्टिविटी को टेस्ट करने के लिए हम टेस्टर का यूज करते हैं बिल्कुल सही जवाब तो बच्चों आप सबको पता है कि खाली सॉलिड जो मेटल्स हैं वही इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते लेकिन लिक्विड्स भी जो हैं वो कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को तो वाटर जो है वो ऐसा एक लिक्विड है ठीक है लेकिन जो डिस्टिल्ड वाटर है वो बैड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का वो अपने में से इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं करने देता उसको हम क्या बोलते हैं इंसुलेटर तो बच्चों आपको मैं एक चीज़ बताऊं कि वाटर जो है वो गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का और हमारी जो ह्यूमन बॉडी है ना उसमें कम से कम 70 परसेंट वाटर प्रेजेंट होता है और इसीलिए हमें इलेक्ट्रिक शॉक्स लगते हैं इसीलिए हमें हमेशा कहा जाता है कि कभी भी जो है कि जो लूज इलेक्ट्रिक वायर्स होती हैं उनसे हमेशा दूर रहना चाहिए कभी भी काम नहीं करना चाहिए उनके साथ तो बच्चों हमारे घर पर जो पानी सप्लाई होता है वो प्योर वाटर तो नहीं है या डिस्टिल्ड वाटर तो नहीं है उसमें बहुत सारी इम्प्योरिटीज प्रेजेंट होती हैं जो सॉल्ट्स एसिड्स और बेसिस की फॉर्म में होती हैं तो इसीलिए जो है हमें कभी भी जो है इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है जब हम जो है इलेक्ट्रिकल स्विचेस को छेड़ते हैं गीले हाथों के साथ इसको करने के लिए कि लिक्विड जो है इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं इसके लिए हम एक सिंपल सी आ, एक्टिविटी आपके साथ करेंगे तो बच्चों आप एक काम करिए आप एक नोट करते जाइए साथ साथ में आप एक ड्राई सेल ले लीजिए एक इलेक्ट्रिक बल्ब ले लीजिए या मैंने जैसे आपको बताया आप एलईडी भी ले सकते हैं और वायर्स ले लीजिए तो इसको जैसे मैंने आपको बताया प्रॉपर तरीके से आपने अरेंज करना है कैसे अरेंज करेंगे मैं आपको बताता हूँ आप क्या करिए बेटा जो नेगेटिव एंड है वो तार के साथ जोड़ लीजिए और उस तार का दूसरा हिस्सा एलईडी बल्ब के साथ जोड़ लीजिए और फिर एक और जो है वायर वो एलईडी बल्ब के दूसरी जो है लेग होती है उसके साथ जोड़ लीजिए ओके फिर एक और वायर लीजिए और उसको पॉजिटिव एंड के साथ जोड़ लीजिए अब जब आप ये एक्टिविटी आपको आपकी टेक्स्ट बुक में भी मिल जाएगी तो आप इसको जैसी वायरस को ऐसे छोड़ देंगे लेकिन आपने क्या करना है बेटा जो दोनों जो फ्री एंड्स होंगे एक एंड्स को ऐसे ही रख देना है फिर थोड़ी देर के बाद आप ऐसा करिए कि एक किसी कंटेनर में आप मग में या किसी में एक टैप वाटर डाल दीजिए और उसके बाद जो है जब आप टैप वाटर डाल देंगे तो आपने क्या करना है कि जो भी एंड्स जो फ्री एंड्स हैं वायर्स के वो आपने उस पानी के अंदर डाल देने हैं लेकिन एक बात का ध्यान रखना है आपने कि वायर्स आपस में टच ना हो तो हम क्या देखेंगे कि जैसे ही हमने वो फ्री एंड्स वायर के उस पानी के अंदर डाले तो वो बल्ब जो है वो ग्लो करना स्टार्ट कर देगा यहां से हमें पता चलता है कि इलेक्ट्रिक करंट जो है वो फ्लो करती है वाटर से इसीलिए एक कंप्लीट सर्किट जो है वो इलेक्ट्रिक सर्किट बन जाता है यहीं से इस एक्टिविटी से हमें यह पता चल जाता है कि इम्प्योर वाटर जो है इम्प्योर जो प्योर नहीं है इम्प्योर वाटर जो है वो गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का लेकिन एक चीज का ध्यान रखना मैंने आपको बताया कि वायर्स आपस में टच नहीं होनी चाहिए तो इस एक्टिविटी के अलावा जो है आप इसको टैप वाटर की जगह जो है डिस्टिल्ड वाटर भी ले सकते हैं क्या ले सकते हैं डिस्टिल्ड वाटर और डिस्टिल्ड वाटर जब आप इसको चेंज करेंगे तो जैसे ही आप डिप करेंगे उसको वायर्स को अब टैप वाटर आपने रिमूव कर दिया और उसकी जगह डिस्टिल्ड वाटर डाल दिया तो आप देखेंगे कि जो डिस्टिल्ड वाटर में जब आप वायर्स डालेंगे तो बल्ब जो है वो ग्लो नहीं करेगा तो यहीं से आपको पता चल जाएगा कि जो प्योर या डिस्टिल्ड वाटर जो है वो पोर कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का वो एक इंसुलेटर की तरह काम करता है प्यारे बच्चों मैंने आपको शुरू में भी बोला कि आप कोई भी एक्सपेरिमेंट करें बच्चों वो हमेशा अपने बड़ों की मदद के साथ करें ठीक है और कभी भी जो है इलेक्ट्रिक स्विचेस को अपने गीले हाथों के साथ इस्तेमाल नहीं करना है मैं बार बार आपको यह बोल रहा हूं मैंने आपको यहां पर इलेक्ट्राइज सेल लेने की बात की है आप डायरेक्टली जो है इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स का इस्तेमाल नहीं करेंगे ओके बच्चों तो बच्चों अब हम एक और एक्टिविटी आपके साथ लेंगे आप ये बताने के लिए कि वाकई में जो लिक्विड्स हैं वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं या नहीं करते हैं तो इसके लिए आप एक काम करो बेटा एक बड़ा सा नींबू ले लो एक लेमन अच्छा सा और उसको अपने हथेलियों पे ऐसे हल्का सा ऐसे रोल कर लो ठीक है ताकि वो थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए तो आप क्या करो कि स्क्रू एक कॉपर का और एक जिंक का स्क्रू ले लो और जिंक और कॉपर का स्क्रू आपको मार्केट में मिल जाएगा कम से कम फाइव सेंटीमीटर लंबा और आपने क्या करना है उसको बेटा कि स्क्रू दोनों को कॉपर और जिंक के स्क्रू को आप नींबू के अंदर डाल दीजिए और बिल्कुल इतना फाइव टू सिक्स सेंटीमीटर जो है वो नींबू के अंदर चला जाए अब वैसे ही जैसे आपने टेस्टर बनाया है वैसे ही जो उसके फ्री एंड्स हैं उनको एक जिंक और एक कॉपर के साथ अटैच कर लीजिए और जब आप उनको देखेंगे तो आप देखेंगे कि जो जैसे ही जो फ्री एंड सेम वायर्स के वो एक कॉपर और जिंक के साथ अटैच हो जाएंगे तो एलईडी जो आपकी होगी वो जलना शुरू हो जाएगी तो यहां से आपको पता चल गया कि करंट जो है वो फ्लो करती है लिक्विड से चाहे वो लेमन का जूस हो लेमन के जूस की जगह आप विनेगर ले सकते हैं सिरका जिसको हम बोलते हैं वो ले सकते हैं अपने घर पे ठीक है तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आपको बताते हैं कि वाकई में जो है लिक्विड्स कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को या नहीं तो प्यारे बच्चों बहुत सारे ऐसे लिक्विड्स हैं जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल बताता हूं आप मिट्टी का तेल ले लीजिए कैरोसिन एल्कोहल ले लीजिए कुकिंग ऑयल विनेगर ले लीजिए या टेबल सॉल्ट जो सोल्यूशन होता है वो ले लीजिए ठीक है जिसको कॉमन सॉल्ट भी बोलते हो उसका सोल्यूशन आप ले लो अब एक एक करके जो है अपने टेस्टर के साथ इन सबको टेस्ट करो लेकिन जब आप इनको टेस्ट करोगे बेटा बाय यूजिंग योर होममेड टेस्टर आप क्या देखोगे बेटा कि जो टेबल सॉल्ट है जो सॉल्यूशन है आपका नमक का नमक वाले पानी का और विनेगर का जब आप इसको टेस्ट करोगे तो इनमें बल्ब ग्लो करेगा लेकिन जैसे ही उनकी वायर्स को आप जो है कैरोसिन में डिप करोगे एल्कोहल में डिप करोगे कुकिंग ऑयल में डिप करोगे तो वो बल्ब ग्लो नहीं करेगा अब जिसमें बल्ब ग्लो करेगा गुड कंडक्टर जिसमें बल्ब ग्लो नहीं करेगा तो वो क्या है बैड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी के तो यहां से हम बता सकते हैं कि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो लिक्विड्स जो हैं वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं और बहुत सारे नहीं और कौन से गुड कंडक्टर्स हैं और कौन से बैड कंडक्टर्स हैं अब हम पढ़ेंगे बच्चों कि कंप्लीट सर्किट और इनकम्प्लीट सर्किट किसे कहते हैं तो बच्चों कंप्लीट सर्किट मीन्स डेट ऑल द कनेक्शन आर प्रॉपर एंड देर इज नो ब्रेक इन बिटवीन दम हम कंप्लीट सर्किट उसको बोलेंगे जिसमें सारे के सारे जो कनेक्शन होंगे वो प्रॉपर होंगे और कोई भी ब्रेक उनमें नहीं होगा दैट मीन्स जैसे ही आप टेस्टर बनाते हैं और टेस्टर बनाने पे जब उसको लिक्विड में डालेंगे विनेगर में डालेंगे या लेमन जूस में डालेंगे और बल्ब ग्लो करना शुरू कर देगा दैट सर्किट कंप्लीट है और जब बल्ब ग्लो नहीं करेगा तो दैट मीन्स वो सर्किट जो है वो इनकम्प्लीट है इनकम्प्लीट सर्किट बताता है कि कहीं पे जो कनेक्शन हैं वो प्रॉपर तरीके से नहीं लगे हैं और वहां पर कुछ वायर्स में किसी जगह पे ब्रेक है इसीलिए हम ये कहते हैं बेटा कि कंप्लीट सर्किट अलो करता है करंट को पास करने के लिए प्रॉपरली और इनकम्प्लीट सर्किट से जो है कनेक्शन जो है इलेक्ट्रिक करंट जो है वो पास नहीं करती जैसे हमने देखा है कई बार कि जब कोई भी लिक्विड कोई भी लिक्विड जो है दो एंड जो टेस्टर के हमने डालते हैं तो करंट जब पास कर लेती है तो सर्किट जो है वो टेस्टर का कंप्लीट है और करंट जब फ्लो करती है सर्किट में और बल्ब जो है वो ग्लो करना शुरू कर देता है लेकिन लिक्विड डज नॉट एलो द इलेक्ट्रिक करेंट टू पास जब लिक्विड जो है इलेक्ट्रिक करंट को पास नहीं होने देता तो सर्किट जो है टेस्टर का वो कंप्लीट नहीं है और बल्ब जो है वो भी ग्लो नहीं करेगा लेकिन बच्चों कई बार ऐसी सिचुएशंस हो जाती हैं कि लिक्विड जो है वो बेशक कंडक्टर है लेकिन बल्ब जो है वो ग्लो नहीं करता ऐसा क्यों होता है इसके पीछे कुछ कारण हो सकते हैं या तो आपकी जो बैटरी हम यूज कर रहे हैं वो लो हो चुकी है या कनेक्शंस हमारे लूज हैं या फिर जो है जो बल्ब हम यूज कर रहे हैं वो खराब है तो कुछ भी कारण ऐसा हो सकता है इन स्पाइट की लिक्विड जो है वो एक कंडक्टर है तो बच्चों आपने अभी पढ़ा कि कंप्लीट और इनकम्प्लीट जो सर्किट है वो हम किसे कहते हैं अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं बच्चों डू लेमन जूस और विनेगर कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी यस योर आंसर इज एब्सोल्युटली राइट कि जो लेमन जूस या विनेगर है ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है अब हम पढ़ेंगे एलईडी किसे कहते हैं तो एलईडी का फुल फॉर्म होता है लाइट एमिटिंग डायोड और लाइट एमिटिंग डायोड जो है एक ऐसा डिवाइस होता है जो लाइट को एमिट कर करता है ठीक है चाहे कितनी भी कमजोर से कमजोर करंट उसमें से क्यों ना पास कर रही हो ठीक तो है तो एलईडी हम बेसिकली यूज करते हैं फ्लो ऑफ करंट किसी भी सबस्टांस में से डिटेक्ट करने के लिए सो वी कैन से दैट एलईडी कैन बी यूज फॉर डिटेक्टिंग द फ्लो ऑफ करंट थ्रू एनी सबस्टांस तो बच्चों एलईडी हमेशा तभी ग्लो करेगी जब कोई भी वीक करंट जो है उसमें से पास कर रही है ओके okay? एलईडी में दो वायर्स होती हैं बेटा एलईडी में दो वायर्स होती है मैंने आपको पहले भी बताया कि दोनों वायर्स को हम क्या बोलते हैं ई ए डी एस लीड्स कहते हैं और दोनों वायर्स एक जो लीड है वो हल्की सी बड़ी होती है दूसरे से यानी कि एक बड़ी होती है और एक छोटी होती है लीड्स जिसको हम लेग्स भी कहते हैं तो एक लीड जो है वो बड़ी होगी दूसरे से याद रखना जब भी हम कनेक्ट करते हैं सर्किट को तो जो बड़ी वाली लीड होती है वो हमेशा पॉजिटिव टर्मिनल बैटरी के साथ अटैच की जाती है जो बड़ी वाली लेग होगी ना उसकी एलईडी की उसको हम पॉजिटिव के साथ जोड़ते हैं और जो छोटी वाली होती है उसे हम हमेशा नेगेटिव टर्मिनल के साथ जोड़ते हैं तो ये आपके पास था कि एलईडी किसे कहते हैं तो एलईडी लाइट एमिटिंग डायोड हांजी बच्चों और लाइट एमिटिंग डायोड में हमेशा अगर छोटी से छोटी करंट भी पास कर रही है तो वो बल्ब जो है ग्लो करना स्टार्ट कर देगा और दूसरी बात ये कि दो लेग्स होती हैं, जिन्हें हम लीड्स कहते हैं एक बड़ी और एक छोटी ठीक है बड़ी वाली को पॉजिटिव के साथ जोड़ते हैं और छोटी वाली को नेगेटिव के साथ जोड़ते हैं तो बच्चों हमने आज इस टॉपिक में आपको बताया कि किस प्रकार से केमिकल इफेक्ट्स जो हैं करंट पे के रहते हैं और गुड कंडक्टर्स पोअर कंडक्टर्स किन्हें कहते हैं उसके बाद हमने पढ़ा कि कंप्लीट इनकम्प्लीट सर्किट्स किसे कहते हैं और फिर हमने जो है आपके साथ ये भी पढ़ा कि जो क्या लिक्विड्स इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं या नहीं करते और एलईडी किसे कहते हैं बच्चों मैंने आपको एक और बात बताई है कि जितने भी आप एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म करें मैं फिर से आपको यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपने पेरेंट्स अपने एल्डर्स के साथ बैठकर जो है डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स को परफॉर्म करें आपको मैं सब बच्चे जो है एक काम करिए कॉपी पेन लीजिए और कॉपी पेन लेने के बाद जो है कुछ क्वेश्चंस को नोट करिए और एक बात याद रखिएगा जो आपकी एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक है वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है उस एनसीईआरटी की बुक में आपको हर एक एक्टिविटी जो हमने आपको समझाई वो वहां पर मिल जाएगी अगर आपको कभी भी कोई भी डिफिकल्टी हो तो आप जो है अपने पेरेंट्स से बड़ों से या हमसे भी हेल्प ले सकते हैं ओके प्यारे बच्चों तो कॉपी पेन निकाला सबने वेरी गुड अब लिखिए कुछ क्वेश्चंस। मैं आपको दे रहा हूं आपकी असाइनमेंट के लिए जो आप करेंगे पहला लिखिए मेंशन फाइव इंपॉर्टेंट यूजेस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी मेंशन फाइव इंपॉर्टेंट यूजेस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन डे टू डे लाइफ नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए नेम टू लिक्विड्स अदर

Sodium chloride solution. What happens on passing the electric current through sodium chloride solution? And the fourth one is Does pure water conduct electricity? If not, what can we do to make it conducting? Does pure water conduct electricity? If not, what can we do to make it conducting? And the fifth one is give the difference between conductors and insulators. गिव द डिफरेंस बिटवीन कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स प्यारे बच्चों मैं उम्मीद करता हूं जब हम केमिकल इफेक्ट्स ऑफ करंट के पार्ट नंबर टू को स्टडी करेंगे तब आपको जो है आपकी डिफिकल्टी लेवल जो है और खत्म हो जाएगा और तब तक आप ये क्वेश्चंस को जरूर करिएगा अपनी टेक्स्ट बुक को प्रॉपर तरीके से स्टडी करिएगा अच्छे ढंग से स्टडी करिएगा क्योंकि आपकी टेक्स्ट बुक में आपको हर एक एक्टिविटी दी जाएगी थैंक यू वेरी मच हैव ए नाइस डे गॉड ब्लेस यू ऑल